हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो न्यूट्री चार्ज है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले कि यहाँ पर जो न्यूट्री चार्ज के जो टैबलेट मुझको निकले थे, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी सही है गाइस। मैं फेक वीडियो क्यों बनाऊँगा और मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैं खुद खाता हूँ न्यूट्री चार्ज के टैबलेट, न्यूट्री चार्ज मैन के, और बहुत सारे मेरे फैमिली में खाते हैं न्यूट्री चार्ज वुमेन, न्यूट्री चार्ज मैन, मेरा भाई भी खाता है। तो यहाँ पर गाइस, जो यहाँ पर मैंने कमेंट यहाँ पर देखा है कि ये फेक वीडियो है वगैरह ऐसा बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, तो गाइस यहाँ पर मैं ऐसा क्यों करूँगा, जो कुछ है वो सच सच है गाइस। और ऐसे टैबलेट मुझको निकले हैं, तो आप भी खाइए, और ऐसा कुछ नहीं है क्यों ऐसी टैबलेट यहाँ पर आई है मुझको भी समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे यहाँ पर मैंने कमेंट यहाँ पर पढ़ा है कि जो ऐसे टैबलेट जो निकलते हैं वो हवा की वजह से निकलते हैं, और नम जहाँ पर नम जगह रहती है वहाँ पर से निकलते हैं। अगर थोड़ा भी यहाँ पर सुराख हो जाता है इसके अंदर टैबलेट के पैकेट के अंदर, तो यहाँ पर हवा की वजह से भी होता है ऐसा बोल रहे थे कमेंट में बहुत सारे। और ज़्यादातर कमेंट जो है वो फेक वीडियो है ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये फेक वीडियो यहाँ पर नहीं है गाइस। तो मैं ऐसे फेक वीडियोस नहीं बनाता गाइस, मैंने जो वीडियो बनाया है वो सच सच बनाया है गाइस। यहाँ पर वीडियो बना के यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये फेक वीडियो नहीं थी, और आप खाइए, मेरा कुछ ऐसा गलत मतलब नहीं है इस टैबलेट के अगेंस्ट, तो आप खा सकते हैं न्यूट्री चार्ज मैन। न्यूट्री चार्ज के सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं गाइस, मैं खुद खाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाया था वो बिल्कुल सच है गाइस, और मैं ऐसे फेक वीडियोस क्यों बनाऊँगा। तो जो सच है वो मैंने बताया गाइस, बहुत सारे कमेंट भी यहाँ पर लिखे हैं लोगों ने कि यहाँ पर जो वीडियो है ये फेक वीडियो है, लेकिन ये फेक वीडियो नहीं है गाइस। मैं फेक वीडियो क्यों बनाऊँगा और मुझे क्या मिलेगा, मैं खुद यहाँ पर RCM का जो सो मेम्बर हूँ, और मैं खुद टैबलेट खाता हूँ न्यूट्री चार्ज के, और मेरा भाई खाता है, मेरे मॉम खाते हैं, सभी फैमिली में खाते हैं गाइस। जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इतना ही पूछा था कि ऐसे यहाँ पर टैबलेट क्यों आते हैं, और इसका जवाब भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट में दे दिया था कि यहाँ पर ये हवा की वजह से होता है। लेकिन ये जो मैंने खुद देखा था कि पैकेट जो है वो बिल्कुल भी लीकेज नहीं थी, पूरी पैक थी पैकेट, तब भी ऐसी यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी मुझको। तो यही था गाइस, एक बार नहीं मेरे साथ दो तीन मतलब हुआ था ये प्रॉब्लम, तो यही आपको बताना था गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो लिए थैंक यू वेरी मच।